छतरपुर जिले के किशनगढ़ में पुलिस की लचर कार्य प्रणाली से नाराज परिजनों ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों के साथ मिलकर चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा के अपहरण के आरोपी को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। किशनगढ़ थाना इलाके में पिछले दिनों एक नाबालिग छात्रा का अपहरण हो गया था। परिजनों ने अपहरण के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति पर आरोप लगाया था, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस ना तो आरोपी को गिरफ्तार कर पाई थी, ना ही अपहरित नाबालिग छात्रा को बरामद कर पाई थी, जिससे नाराज परिजनों सहित स्थानीय लोगों ने और व्यापारियों ने बाजार बंद कर सड़क पर जाम लगाकर धरना दिया, जिससे यातायात बाधित भी हुआ। जिसके बाद जाम की खबरें लगते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 10 घंटे के बाद समझाइश देकर जाम को खुलवाया। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमों का गठन कर जल्द आरोपी के पकड़ने की बात भी कही। में नाबालिग के साथ एक किडनैपिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 10 सदस्यों की टीम SIT बनाई गई है, जिसको SDP बिजावर हेड कर रहे हैं। 3 अलग अलग टीमें दस्तियाबी के लिए यहाँ से भेजी गई हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी हम बच्ची को सुरक्षित दस्तियाब कर आगे की विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।